जो सिरप सिरप एंड सिरप देश का सोचता और किसी का नहीं सोचता। अगर ये 10 साल या 20 साल और रह गए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये देश विश्व नंबर वन बन जाएगा। मेरे मुस्लिम भाइयों को सलाम, मेरे हिंदू भाइयों को राम राम। हर इंसान को जो है ना हर एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए। आपने जिस तरह से बोला है कि मतलब अगर ये जो हमारी जो सरकार अभी की जो प्रेजेंट में चल रही है अगर ये 10 साल और 20 साल आगे रही तो विश्व गुरु हो जाएगा। विश्व गुरु हो जाएगा वो, श्रीलंका को भी पीछे छोड़ देगा और कई देशों को पीछे छोड़ देगा। भूखमरी, बेरोजगारी और बेहयाई, बेअयाशी, और यहां तक कि आप ये बोलते हो कि मतलब ये जो है ये 70 सालों में पहली बार ऐसी सरकार बनी। हाँ बनी, 70 सालों में पहली सरकार बनी है कि जो रेप करने वाले को, गुनाह करने वाले को हार पहनाती है, फूलों का हार पहनाती है, उनका स्वागत करती है, उनको अपने पार्टियों में लेती है। ऐसा 70 सालों में कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। दूसरी चीज, अगर ये आप 70 साल का बोलते हैं, जो ये बहन जो बोल के गई वो वीडियो मैंने कटअप में डाला है जिसमें बोली कि मतलब अग्निवीर योजना बना के, अग्निवीर योजना बनाने के लिए सरकार ने लेके आई। तो क्या लेके आई? 4 साल। 4 साल में क्या होता है आप बताओ? एक जो हिंदुस्तान का जो आर्मी है, जो सेना का जवान बनना चाहता है, उसको देखना है हकीकत तो आप यूपी और बिहार में जाइए या उस आर्मी लवर से पूछिए जो आर्मी में जाने के लिए कितनी तैयारी करता है, कितने मुसीबतों से झेलता है, समझे? तो भाई मेरे ऐसे मत भड़काओ। देश में एक तो वैसे ही भूखमरी और एक ये हो चुका है क्या बोलते हैं कि बेरोजगारी के पीछे। सिर्फ इस सरकार आई है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके आगे कुछ नहीं। अगर इसका जवाब अगर आप लोगों के पास होगा ना भाई तो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।